अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैंने जी अभी अपनी मेहनत को गले से लगाया हुआ है और मैं इसे कह रही हूँ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये जी हम सबका गोल्डन बटन आ गया है। इसके साथ ही मैं फोटोशूट कर चुकी हूँ, इसलिए बाल इस तरह फटे फुटे हुए हैं। आप लोगों ने फोटोशूट देखना तो इंस्टाग्राम पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी मैंने दोनों का लिंक डाल दिया है। ठीक है जी, ये जी हमारा सबका गोल्डन बटन आ गया है। इसकी जगह वो मैंने रखी हुई है, उधर हम लगाएंगे अब और अगली वीडियोस में ये वहाँ आप लोगों को लगा हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इस वीडियो में जी हम लोगों ने बात करनी है, हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी किस तरह दे सकते हैं, हम अगले की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखने के लिए, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है जी, चले जी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे जी हम पॉजिटिव किस तरह रह सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को चेंज किस तरह कर सकते हैं। ये आप लोग के हाथ में है, या तो आप पॉजिटिव रह लें या तो आप नेगेटिव रह लें। अब जो नेगेटिव बंदा है ना, उसको ग्लास भी इधर पड़ा होगा ना, इधर क्यों रखा ग्लास? इधर रखना था, हम कहेंगे इधर क्यों रखना था, इधर क्या हो गया, मेरी मर्जी, मैंने इधर ही रखना ग्लास, तुम कौन होते हो ग्लास को इधर से इधर रोज करने वाले। ठीक है ना, ये जो बगावत के जरासीम होते हैं ना, सबके अंदर होते हैं, मेरे अंदर भी हैं, आप लोग के अंदर भी हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको ओवरकम किस तरह करना है, हम लोगों ने इससे दूर किस तरह रहना है, ये हमारे ही मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारी ही सराउंडिंग पॉजिटिव रहेगी, एक अच्छी बात किसी और के सामने की गई उसका पूरा दिन अच्छा कर सकती है। ठीक है, अब इसकी मिसाल इस तरह की, हम पॉजिटिव सिर्फ तब रह सकते हैं जब हम किसी के अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इसके बगैर हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे एक मैं हेल्पर्स की एग्जांपल ले लेती हूँ और एक जो आप लोग सब पूछ रहे हैं कि शादी के बाद सास के साथ किस तरह बिहेवियर रखना चाहिए, उनको किस तरह पॉजिटिव रहना चाहिए। सबसे पहले जी हेल्पर लेते हैं, हम लोग जी सो के उठे हैं, सपोज किचन में जो आंटी काम करती हैं वो आई हैं, बर्तन धो रही हैं, मूड उनका ऑफ है, थकी हुई हैं काम कर करके, बर्तन धोई जा रही हैं, मैं किचन के अंदर एंटर हुई हूँ, मैंने अपना काम किया है, मैंने कहा नाश्ता बना दे मुझे, इसको पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं कहते होते। ये से मैं नॉर्मल कह रही हूँ नाश्ता बना दो, उनको और गुस्सा चढ़ गया, एक तो मैं बर्तन धो रही हूँ, ऊपर से नाश्ता बनाने का कही जा रही है। अब हमने पॉजिटिविटी उनको ट्रांसफर किस तरह करनी है, मैं किचन के अंदर एंटर हुई हूँ, ठीक है, वाह आंटी आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये सूट जो पहना हुआ है वो तो बड़ा प्यारा लग रहा है। आंटी ने, अच्छा ये वाला सूट, ये ना 3 साल पुराना है, मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ सूट। चलो जी, आंटी के अंदर हमने अपनी पॉजिटिविटी मैंने उनके अंदर ट्रांसफर कर दी है। अब उन्होंने क्या करना है, उनका मूड भी सही हो गया, बर्तन भी अच्छे धुलेंगे, और उन्होंने आंटी ने मुझे कहना है पुत्र तू बैठ, तेरे लिए हुई नाश्ता में बना के ले, दस मेरे पुत्र ने की खाना। ये होता है पॉजिटिविटी ट्रांसफर करना अपनी किसी के अंदर। ठीक है, जब तक आप लोग पॉजिटिविटी ट्रांसफर नहीं करोगे ना, आपके पास पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अगर मैं ये ना बोलती तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी ना आती, जिस तरह आंटी ने कहा चलो पुत्र बैठ, मैं नाश्ता बना, तू बस बैठ जा। ठीक है ना, पहली एग्जाम्पल तो ये हो गई। अब आती है दूसरी एग्जाम्पल के, अब जी अगला क्वेश्चन आता है जी, सास के साथ बिहेवियर किस तरह अच्छा रखें, उनको पॉजिटिव, उनका रिश्ता पॉजिटिव कैसे बनाएं। हम लोगों ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर करनी है। पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है, पॉजिटिव एनर्जी अपनी अगले के अंदर ट्रांसफर कर लो, अगले की पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आएगी तो हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। जब हम ट्रांसफर ही नहीं करेंगे पॉजिटिव एनर्जी, तो हम पॉजिटिव एनर्जी ले नहीं सकते, तो हम नेगेटिव ही रहेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक औरत को जी 30 साल हुए हैं, एक घर चलाते हुए, संवारते हुए, हांडियां रोटियां करते हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, और एक लड़की आई है 3 साल हुए हैं, वो कहे जी नहीं जी आप इस तरह करती हैं, मुझे ये नहीं सही लगता, मैं ये इस तरह करती हूँ, मैंने इसी तरह ही करना है। वो आपने इनडायरेक्टली उनके काम को गलत कह के नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर कर दी है। अब जो आप लोगों ने ट्रांसफर किया है वापस तो आपके पास वही आनी है ना, नेगेटिव ट्रांसफर होगी और नेगेटिव ही आप लोग पास वापस आ गई। अब आप लोग अगर एक दफा ये कह देते, मैं भी ये कह देती कि अम्मी जी जो आपने कहा है ठीक कहा है, जिद्दा तुसी कहना है उदा ही होना है, तुसी हाँ कह देना है हो जाना है, ना कह देना नहीं होना। ठीक है, हमने पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर दी, अब पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास किस तरह वापस आएगी, आप लोग सबको अम्मी होगा तो पता ही है, हल्का सा प्यार से बात कर लो तो आंसू शांसू और जप्फियाँ पप्पियाँ सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो उन्होंने अम्मियों ने क्या कहना है कि पुत्र हुण तेरे हवाले सारा कुछ, मैं हुई हूँ बुढ़ी, हुण मेरे को नहीं संभालिया जाता, मैं तो बहना है, तू मैं पका के खिलाना है। ठीक है ना, ये होती है पॉजिटिव एनर्जी, हमने ट्रांसफर की, अगले ने हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी।
दे दी ना पॉजिटिव एनर्जी, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। अब कुछ लड़कियां कह रही थी कि हम जब सो जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं घर वाले। इसकी एग्जांपल इस तरह दे सकती हूँ, सो के उठो, किचन में जाओ, चाय जब बना रहे हो, तम्मी को अम्मी जी मैं चाय बनाने लगी हूँ, तुम भी पियोगे ना मेरे नाल, ऐसे कुछ खाते हैं नाल बह के, पॉजिटिव एनर्जी हमने दे दी और पॉजिटिव एनर्जी उनकी ले ली। इस तरह जी ये छोटी सी दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, इसी को हम जिंदगी में अप्लाई कर लें तो हम हमारे इर्द गिर्द सारी पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो। नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास नेगेटिव वाइब्स आ भी रही हैं, यू टर्न ले लें आप लोग, हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं, गुजरती जाए साइड साइड से, पॉजिटिव हमारे अंदर जानी चाहिए, नेगेटिव हमारे साइड से गुजरनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था, मैं भी माँ हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ मैं, ठीक है जी। उसके बाद एक और बात करनी थी, जिस तरह मैं आप लोग को अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करती हूँ, आप लोग से प्यार करती हूँ, तो ही आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो ना, मैं आप लोग को इस तरह बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। फॉलो भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, जिसे वीडियो देखने देखे, नहीं देखने ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह आप लोग मुझसे प्यार करेंगे, नहीं करेंगे ना। अब मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप लोग के अंदर ट्रांसफर करती हूँ तो मुझे आप लोग का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ये जी छोटी सी एग्जाम्पल थी, पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो ले लोगे, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव ही अंदर अपने अंदर आएंगी। चले जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी गोल्डन बटन में जी मेरी आंटी का बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू आंटी जी, लव यू। नाजिया का बहुत बड़ा हाथ है, नाजिया जी लव यू, बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत शुक्रिया। मानो तुम्हारा बिल्कुल शुक्रिया नहीं, तुमने बहुत तंग किया था, बहुत खलारा पाया तू सारा समेट। हाँ ईमान गंदी गंदी है मानो, नहीं मच गंदी है, नहीं मच गंदी, एमी नो 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 एमी नो नो, मान गंदी करो मम्मा के लिए, हैप्पी बर्थडे नहीं क्लैपिंग करो बस। पारा दे के आओ मानो, उसको पारा दो, पारा दे दो उसको, पारा दे दो ऐसे, वेरी गुड। चलो अब आओ, वो देखो अभी सारी चीजें समेटे। हाँ जी इसको भी दिखा दो, अपनी अपनी दोस्त को भी दिखा दो, बेबी, हाँ अपनी बेबी को भी दिखा दो, मम्मा का कौन, मेरी मम्मा का है, अपनी बेबी को भी दिखा दो ना, बीबी, हाँ बीबी, बीबी को भी दिखा दो अपने, हाँ लो मुझे दे दो, थैंक यू थैंक यू, मैं रख लेती हूँ इसको पास, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, मानो पकड़ के रखो ना, ऐसे करते हैं, सॉरी करो, शॉली कर लो, शॉली दोबारा कर लो, सॉरी करो, सॉरी कर दो जल्दी से, सॉरी करो पहले, ओके ये लो, नीचे नहीं गिराना बेबी, नीचे नहीं गिराना, चल मम्मा को दे दो बस, अब मम्मा संभाल के रख ले, वो देखो हाथ गंदे गंदे लगा दिया आपने। मामा। जी जान, जी जान नजर आ रही अंदर, ये किसका है, ये किसका है मानो, ये कौन है, बेबी नहीं नहीं ये कौन है, कौन है, कौन है ये, टू टू ना कर देना, फेंटी खा दूंगी, चलो रेन रेन गो पे सुना दो सबको, लिटिल चूचू वांट्स टू प्ले, वे वे गो वे बर्थडे यू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैन यू यू
चलो बाय बाय कर दो अब, बाय बाय।